भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। कृष्ण कहते हैं, अपने टैलेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले आप किसी सद्गुरु का आश्रय लो, क्योंकि किसी डॉक्टर को भी अपने आप को ठीक करने के लिए दूसरे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो चाहे व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, चाहे कितनी भी उसके अंदर क्षमता या शक्ति हो, सबसे पहले आपको किसी मेंटर के पास जाना चाहिए, किसी सुहृद के पास जाना चाहिए जो वास्तव में आपको दीर्घकाल से देख रहा हो, समझ रहा हो और आपके जीवन को सुधारने की उसके अंदर वास्तविक इच्छा हो। दूसरा, समझें कि अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं एंड ऑल ऑफ दैट हैज टू डू विथ योर लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर आप ज्ञान के अंदर पूरी तरह रम जाते हो, इसका अर्थ है कि आप टीचर या प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में जाना उपयुक्त है। इसको कहते हैं शिक्षा। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में एब्जॉर्ब हो जाते हो, किसी कलह, लड़ाई, झगड़े, मतभेद, अगर ये आपको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो हो सकता है आपके जीवन में आपको या तो प्रशासक बनना चाहिए, या तो फिर सेना में जाना चाहिए, या पुलिस फोर्स में जाना चाहिए, या एडवोकेट या लॉयर बनना चाहिए, या किसी भी प्रकार का कार्य जिसमें प्रशासन की आवश्यकता हो, जहाँ पर संरक्षण अर्थात एनीथिंग टू डू विथ कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, इवन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा, अगर आपका मन धन के कमाने में रम जाता है, इफ यू गेट एब्जॉर्ब्ड इन एक्यूमुलेशन ऑफ मनी एंड वेल्थ, इट मीन्स यू आर बेटर ऑफ डूइंग अ बिजनेस। या आप कोई धंधा करो, व्यवसाय करो, या किसी इस प्रकार के नौकरी में हो जहां धन से संबंधित अर्जन हो रहा हो। इससे बहुत बड़ा ज्यादा सिम्टम है कि जब धन निकलता है तो दर्द होता है, तो ये इस बात की पुष्टि है कि आप इस धन के संबंधित किसी व्यवसाय में बने रहे। और चौथा, अगर आप किसी कलाओं में पूरी तरह रम जाते हो, इफ यू गेट एब्जॉर्ब्ड इन एनी काइंड ऑफ स्किल और आर्ट और क्राफ्ट, और यू वॉन्ट अ स्टेबल लाइफ विथ नॉट टू मच ऑफ डिस्टर्बेंस, बहुत बड़ा हलचल के बिना आपको जीवन चाहिए, स्टेडी स्टेट जो चल रहा है वैसा ही चलता रहे, तो हो सकता है कोई इस प्रकार की नौकरी आप ढूंढें जिसमें लंबे समय तक कोई परिवर्तन की अपेक्षा न हो, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु प्रेफर्स स्टेबिलिटी ओवर एवरीथिंग एल्स। तो जो भी हो, आप स्वयं इन सब बातों को अवलोकन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, इसके साथ जूझ नहीं सकते। हाँ, एक अंदाजा, एक भाव आपको मिलेगा, लेकिन पूरा कन्फर्मेशन और पूरी तरह गारंटी आप किसी मेंटर के साथ रहकर ही समझ सकते हो। अपने जीवन में आप ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपको प्रोफेशनल तरीके से हेल्प भी करे और साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दे, और वो जो आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको समझाए कि कैसे आप भगवान के साथ अपना सनातन संबंध जोड़कर इस जगत में आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो।